मेड़ता की रानी मीराबाई 15वीं शताब्दी के मशहूर संत गुरु रविदास जी की शिष्या थी। मीराबाई की सखियां सहेलियां गुरु रविदास जी की नीची जाति का मजाक उड़ाती थी और उन्हें नीची नज़र से देखती थी। वे मीराबाई को ताने देती थी कि वह खुद शाही महलों में हर तरह की सुख सुविधाओं में रहती हैं, पर उसका गुरु जूते गांठ कर बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। मीराबाई को इस बात का बड़ा दुख हुआ। उसके हृदय में संत गुरु रविदास जी का सच्चा प्रेम और आदर था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। अंत में एक दिन उसने हीरो के डिब्बे में से एक कीमती हीरा निकाला ताकि गुरु रविदास जी को वह दे सके। वह हीरा लेकर गुरु रविदास जी के पास चली गई और माथा टेक कर और हाथ बांध कर अर्ज करने लगी कि गुरु जी, मुझे आपकी गरीबी देखकर बहुत दुख होता है और लोग मुझे ताने देते हैं कि तेरा गुरु इतना गरीब है। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप यह हीरा स्वीकार कर लें और इसको बेचकर सुंदर सा घर बना लें ताकि आप सुख की ज़िंदगी गुजार सकें। गुरु रविदास जी उसी तरह जूते गांठते हुए बोले, बेटी, मुझे जो कुछ मिलता है कुंड के पानी और जूते गांठने से ही मिलता है। अगर तुझे लोक लाज तंग करती है तो घर में बैठकर ही भजन सुमिरन कर लिया कर। मेरे पास आने की तुझे ज़रूरत नहीं है। यह हीरा मेरे किसी काम का नहीं है। चाहे लोग मुझे गरीब समझते हैं, पर मुझे इसी में आनंद है। मुझे दुनिया की किसी नाशवान वस्तु की ज़रूरत नहीं है। मीराबाई हर हालत में गुरु रविदास जी को हीरा देना चाहती थी। वह बहुत देर तक मिन्नतें करती रही, पर गुरु जी ने एक न सुनी। अंत में निराश होकर मीराबाई कहने लगी, गुरु जी, मैं हीरा आपकी कुटिया में छोड़ कर जाती हूँ। आप इसको बेचकर सुख और आराम की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। अगर आपको अभी ज़रूरत नहीं तो इसको कुटिया की छत में छिपा जाती हूँ। जब भी आपको ज़रूरत पड़े इसको निकाल लीजिएगा। यह कहकर मीराबाई अपने महल में वापस आ गई। इस बात को कई महीने बीत गए। जब वह काफ़ी समय के बाद फिर गुरु रविदास जी के दर्शन करने गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि वे अब भी गरीबी की हालत में जूते गांठ रहे थे। उसने आदरपूर्वक माथा टेक कर कहा, गुरु जी, मैं आपको हीरा दे गई थी, फिर भी आप उसी तरह गरीब क्यों हैं? मैं इतने प्रेम और आदर से हीरा आपको भेंट करके गई थी, फिर भी आपने उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? गुरु रविदास जी बोले, बेटी, मुझे हीरे का क्या करना है। मुझे परमात्मा के नाम का वह अथाह धन बख्शा है जिसका हिसाब लगाना नामुमकिन है। तुम वापस जाती हुई हीरा अपने साथ ले जाना। मीराबाई ने छत टटोली तो हीरा वहीं पड़ा हुआ मिला जहां पर वह रख कर गई थी। गुरु रविदास जी ने हीरे की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। इस साखी का सार यह है कि सच्चा संत दुनिया की नाशवान वस्तुओं का महत्व नहीं समझता और परमात्मा के नाम में ही संतोष प्राप्त करता है। गुरु रविदास जी की इस शिक्षा से मीराबाई और अन्य सभी ने यह सीख ली कि संसारिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक संपत्ति है। गुरु रविदास जी की वाणी में भी यही संदेश मिलता है, दारिद देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी, अष्ट दशा सिद्धि कर तले सब कृपा तुम्हारी, जाके राम जी धनी ताके काही की कमी, मनसा को नाथ मनोरथ पुरवे सुख निधान की कहां गिनी। यह साखी हजूर जी महाराज बाबा सावन सिंह जी द्वारा लिखित पुस्तक परमार्थी साखिया से ली गई है। आप चाहें तो उस पुस्तक में इस साखी और इस तरह की और साखियों को पढ़ सकते हैं। यह साखी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। परमपिता परमात्मा आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।